सिंगल पांच घर लेवे ना तो पांच सिंगल ना बस ये है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी मंजिल है जी खारादर। खारादर बड़ा ही कराची का मशहूर तरीन इलाका और सस्ता तरीन भी, क्योंकि यहाँ पर खाने बड़े मज़े के मिलते हैं और होते भी बड़े सस्ते हैं। तो वज़ीर मेंशन कायदे आज़म की जाए पैदाइश उसके बिल्कुल सामने मिलती है, बड़ी मज़े मज़े की ये तमाम चीज़ें, गुज्जक पीनट इसी तरीके से खोपरा सारे आइटम्स, तिल के लड्डू और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम वो ना सिर्फ खाने के लिए हैं बल्कि खाएंगे, बल्कि खाकर अपना रिव्यू भी देंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि गर्मा गर्म फ्रेश बन रही होती है ना तो उसका जायके की बात ही कुछ और होती है। दुकानों पे ठेलों पे जो मिल रही होती है वो थोड़ी सी पुरानी बल्कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। तो कंपेरिजन भी करना है कि जो आम दुकानों पर मिलती है उससे कितना फ़र्क है और ताज़ा खाते हैं उसका जायका कैसा होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सारे खड़े हुए और ये गर्मा गर्म खा भी रहे, लेके भी जा रहे हैं। ये देखें भाई, ये सारा रश है यहाँ पर, हाँ 8-10 बंदे हमेशा खड़े ही रहते हैं। ये देखें यहाँ भी खड़े हुए लोग। वाह जी वाह, ये डल रहा है गुड़ पानी के साथ। तो कितनी देर में पिघलता है ये पूरा? 5-7-10 मिनट लगते हैं इसको। और ये गुड़ कौन सा है? पंजाब का गुड़ है ये। तो भाई ये है गुड़, गुड़ को पिघलाते रहते हैं और गुड़ के अंदर मिलेंगी जी ज़बरदस्ती मूँगफलियाँ। तो भाई ये बन गया, प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब ये आएगा इस जगह पे, तो भाई ये डलेगी अब ये गर्मा गर्म। तो खुशबू आ रही है ना इससे, यकीन माने जली भी और तेज़ होगी ना। नहीं तो देखिए ये देखें भाई, फैला फैला के ये पूरा हो जाता है। तो ये कितनी देर खुश्क होता है? ये 10 मिनट तक। ये भाई गर्मा गर्म निकलती देते हैं। ठंडा कर रहे हैं, बहुत गर्म हो रहा है। ये गुड़िया के बाल खिलाते हैं, लच्छा के लाते हैं। हाँ लच्छा, लच्छा भाई लच्छा ही है। क्या किलो लच्छा? 800 रुपए किलो। 800 रुपए किलो, ये पाव कितना है? आधा पाव। भाई माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश माल बेचते हैं, लोग बड़ी तारीफें करते हैं आपके। हमने कहा आज ट्राई करें। तो अभी क्या बन रहा है? ये मूंग पीनट वाली बन रही है। पीनट वाली बन रही है ये। अच्छा तो ये क्या कहलाती है? ये फिर मूंगफली गुड़ में बोलते हैं। अच्छा। कोई पीनट बोलता है, कोई मांडवी पाक बोलता है, बहुत सारे नाम है। तो आपके पास क्या किन किन में होती है? ये किस में है? ये मूंगफली? ये काजू है। काजू में भी होती है जी। काजू में कितने क्या रेट है इसके? 700 रुपये पाव। 700 रुपये पाव। ये तो बादाम में लगती है। ये बादाम पिस्ता काजू मिक्स है। बादाम पिस्ता काजू कितने का पाव है? ये 800 रुपये पाव। में ये सिर्फ पिस्ता है। ये एक ही रेट है 800 रुपये? नहीं, पिस्ता 1200 रुपये पाव। पिस्ता 1200 रुपये, बादाम 600 रुपये। और उसके बराबर में ये कुकड़ क्या कहते हैं? ये खोपरा है। खोपरा है। और फिर बराबर में तिल के लड्डू क्या का? तिल के लड्डू 225 है, 425 है। 225 का साइज के फर्क से ऊपर साइज का। ये क्या चीज़ है? गुजिया। ये गजक है। 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो। उसके बराबर में ये लच्छा है, ये भी 800 रुपये किलो। बराबर में ये खोपरे की, ये खोपरा है, ये भी 800 रुपये किलो है। ये क्या चीज़ है? ये भी खोपरा है। ये भी खोपरा है। ये नरम खोपरा है, ये हार्ड खोपरा है। ये हार्ड, ये नरम है, ये हार्ड खोपरा है। एक ही रेट है सब माशाल्लाह, 800 रुपये किलो जी। तिल वगैरह कोई भी ले लो 800 रुपये किलो। तिल में जो भी मिलेगा 800 रुपये, जबरदस्त।
ये जो आपके पास 800 रुपए में, बाकी तो मेरे ख्याल से 1000 रुपए से ऊपर जाता होगा आम मार्केटों में। नहीं, लोकल माल होता है वो, बस कचरा माल चलाते हैं। अच्छा, वो सस्ता होता है? वो सस्ता हो, आपकी क्वालिटी के पैसे, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो क्या टाइमिंग होती है, कहाँ पर है ये कायदे जम लाइब्रेरी है, इसके बिल्कुल सामने वजीर मेंशन अकुर मस्जिद के सामने। अच्छा, और कब आते हैं, कब जाते हैं? न्यू नाम रोड कहलाते हैं ये, सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक होता है। 10 बजे तक होते हैं, माशाल्लाह जबरदस्त। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं वैसे? आपको जो खाएगा तो वो तो दीवाना हो जाएगा। वो हर जगह से आते रहते हैं। अच्छा, यहाँ तक के पाकिस्तान के बाहर भी चला गया, पाकिस्तान के बाहर भी जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मूंगफली है, तो मूंगफली वाली क्या हिसाब किताब है वैसे? 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो। थैंक यू सो मच। हम डिलीवरी करते हैं। अच्छा, होम डिलीवरी वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल, होम डिलीवरी भी होती है, जहाँ बोलोगे पहुँचा देंगे उसके, मगर चार्जेस होते हैं बाइके के जरिए पहुँचा। अच्छा, कराची में? सिर्फ कराची के अंदर? कराची के अंदर। तो क्या चार्जेस होते हैं? बाइके जितने मांगेगा उतने देंगे? जो बाइके वाला लेगा ना वही चार्जेस होते हैं। तो आपको किस तरीके से पहले पैसे भेजने पड़ेंगे? नहीं, वो भले बाइके वाले को दे दे, बाइके वाले को दे दे। ठीक है, तो क्या नंबर है, कितना रब्ता करें आपको? मेरा नंबर है 0300-34-53-88-20-53-880 भाई। कैसी है, मतलब ये गर्मा गर्म बन कर आती फ्रेश फ्रेश, इसका जायका और जो आम मार्केटों में मिलती है कितना फ़र्क आ जाता है? मज़ा आया खूब। कब से आ रहे हैं यहाँ पर खाने के लिए? काफ़ी टाइम से। और यहीं का लेकर जाते हैं, ताज़ा फ्रेश बनती है और यहाँ से। तो भाई ये क्या बन रही है, खोपरा? ये खोपरा चॉकलेट वाला। ये खोपरा चॉकलेट वाला है? वाह जी वाह। सर ये कितने का है वैसे हिसाब किताब? 200 रुपये पाव। 30 का एक है ये, 800 रुपये किलो। तो भाई ये ज़रा हम चार ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ा आया, बचपन याद आ रहा है। अच्छा, मज़े का है। और ख़ास तौर पर जो गुड़ और चॉकलेट का जायका है ना मिक्स किया उन्होंने, कॉम्बिनेशन बनाया बड़ा ज़बरदस्त बनाया। तो ज़रा वो खाते हैं पहले, ये तो बड़ा अच्छा है। बाकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं इनकी खैर, लेकिन वो खाते हैं पीनट्स, क्या कहते हैं वो, चिक्की, चिक्की खाते हैं, चिक्की खाते हैं। कोपरा खा लिया चॉकलेट वाला, बड़ा मज़े का था। तो ये है इनकी चिक्की, चिक्की मिक्की चिक्की। ला ला बच्चा हो जाए ना आपका, पता चल जाएगा आपको मैं क्या गा रहा हूँ। खैर ये ज़रा खाते हैं, ज़रा चिक्की बड़ी मशहूर है और मुझे बहुत पसंद है भाई, है मतलब वन ऑफ माई फेवरेट थिंग है जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद से खाता हूँ, मगर मैंने आज तक कुछ फ्रेश नहीं खाई है। तो ज़रा जायका चखना है कि फ्रेश खाने में और जो आम मार्केटों में मिलती है उसमें कितना फ़र्क आता है। यार जो फ्रेशनेस है ना, ताज़ा है, उसकी बात ही कुछ और है। जो गुड़ की खुशबू है, इसी तरीके से जो मूंगफली की खुशबू निकल कर आई है ना, क्या मज़ा आया। और बहुत ज़्यादा मीठी नहीं, सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, लेकिन बड़ा बैलेंस मीठा है। और जो जायका है, क्रंचपन है इसके अंदर, खस्तापन है। हाँ हाँ, दिल खुश हो गया भाई। तो हाईली रिकमेंड है, आपने यहाँ आना है। इसकी गूगल लोकेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, लेकिन फिर भी पीछे वजीर मेंशन नज़र आ रहा है, जहाँ मेरी उंगली है, ये इसके बिल्कुल सामने सामने मस्जिद है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।